हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्पेशल स्टडी मिथिला में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। वो खुशखबरी क्या है दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, बिहार TET अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, 7 साल से बढ़कर लाइफ टाइम में की गई सर्टिफिकेट की वैधता। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस साल CET टेस्ट की वैधता 7 साल से हटा के लाइफ टाइम कर दी गई है, उसी प्रकार बिहार TET एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, कि खुशखबरी है दोस्तों उन लोगों के लिए कि इसको लाइफ टाइम 7 साल से हटा के लाइफ टाइम कर दिया गया है। TET एग्जाम शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़े TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ के आजीवन कर दी गई। यानी दोस्तों, आपके लाइफ टाइम जब तक आप एग्ज़ाम देना चाहें जब तक इस प्रमाण पत्र के द्वारा दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बिहार के TET धारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि TET सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। बजट सत्र के 8वें दिन विधान परिषद ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने TET प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के संबंध घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि कक्षा 8 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़े TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ के आजीवन कर दी जाएगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो पिछले TET वाले हैं, ये हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम ये बताने वाले हैं कि आप जो TET एग्ज़ाम प्रमाण पत्र वैधता मतलब जो पास कर चुके हैं TET, उनके लिए है कि जो नई TET एग्ज़ाम होना उनके लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रही है, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे कि कक्षा 8 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी TET एग्ज़ाम प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ा के दोस्तों आजीवन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 29 अगस्त को NCTE की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। दोस्तों, कब लिया गया था? 2020 में। तो दोस्तों, देखते हैं कि हालांकि इसका लाभ सभी उम्मीदवारों को नहीं मिल सकेगा, जिन लोगों ने 29 अक्टूबर 2000 के बाद TET परीक्षा पास की है, सिर्फ उन्हें ही लाइफ टाइम की वैधता का लाभ मिलेगा। इससे पहले परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल तक ही रहे। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस TET में क्या बदलाव होने वाला है। तो शिक्षा पात्रता परीक्षा का पैटर्न बदलने वाला है। TET परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई है, जिसका काम 31 मार्च 2021 से पहले TET परीक्षा की रूपरेखा तैयार करना है। दोस्तों, आप भर्ती परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार में नई भर्ती परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। तो जैसे एग्ज़ाम होने वाले, तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई। NCTE ने राज्यों को पत्र भेजकर कई जानकारियां मांगी हैं। NCTE ने राज्य में होने वाली TET परीक्षा की पूरी जानकारी एक फॉर्मेट में मांगी है। देश के सभी राज्यों को यह पत्र और फॉर्मेट भेजा गया है। राज्यों में जो जानकारी NCTE को प्राप्त होगी, उसके हिसाब से TET का नया सिलेबस और गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट TET भी आने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए अभी से दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में विजिट करते रहिए, आपको ऐसे नई नई जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।